हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपडेट के बाद यार डबल स्नाइपर महा फालतू चल रहा है, यानी कि यार वो चल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोप में डिले हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी को पूरा फुल कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एकदम ईजिली फास्ट डबल स्नाइपिंग कर सकते हो या सिंगल स्नाइपिंग कर सकते हो। मुझे पता है कि यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो पोको वाला फ़ोन है वो डेड हो चुका है, एंड उसी में मेरा ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग था, बट मैंने इसको अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ था, इसीलिए सारा रिकॉर्डिंग इसमें भी सेव था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसको एडिट करके पोस्ट किया जाए कि आप लोगों को भी पता लगे कि यार डबल स्नाइपिंग का यूज़ कैसे करें अपडेट के बाद। तो यार इस वीडियो को मैं इसी 2GB वाले फ़ोन में एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो देख के। तो यार चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट के बाद इसमें जब हम लोग AWM को हाथ में लेते हैं तो उसका मूवमेंट बहुत कम होता है, कम स्पीड में आता है, बट इसका भी मैंने बहुत ट्राई किया, और बैठ कर जब मैं स्विच करता हूँ तो देखो कितना फास्ट स्विच हो रहा है। तब मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही ईजी है यार, अब तो एकदम फटाफट से स्नाइपर पहले की तरह चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं अभी इस पर ट्राई कर रहा हूँ और फायर कर रहा हूँ तो यार गोली अभी भी नहीं निकल रहा है। तो यार अपडेट के बाद इसको पूरा फुल्ली रिमूव कर दिया गया है, बट आप लोग टेंशन मत लो, इसका मैं एक और ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, विद प्रूफ बताऊंगा। ओके, तो उससे पहले मैं आप लोगों को अपना सेटिंग दिखा देता हूँ कि कौन से सेटिंग से पे आप लोगों को खेलना चाहिए। तो अभी इसका मैं पूरा फुल की मैपिंग अभी आप लोगों को दिखाऊँ, तो यार अभी आप लोग इसमें क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, तो ऊपर आई बटन में एक पूरा फुल की मैपिंग का वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को वॉच कर लेना यार, उसमें मैंने पूरा फुल अपना की मैपिंग बताया हुआ है, आप लोग भी की मैपिंग इजिली कर सकते हो। उसी की मैपिंग पे अभी मैं खेलने वाला हूँ। क्यू से मैं वेपन वन यूज़ करता हूँ, और जो स्कोप है मेरा उसके लिए शिफ्ट बटन यूज़ करता हूँ, जो मैं एकदम लास्ट वाले छोटे वाले फिंगर से मैं यूज़ करता हूँ। ओके, और अभी यहाँ पे जो आप लोग बोलोगे कि माउस टू क्यों नहीं यूज़ करते, तो माउस टू यूज़ ना करने का मेरे पास एक रीज़न है कि इसके लिए मैं यहाँ पे ग्लूवल यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार ग्लूवल का यूज़ फ्री फायर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लूवल यार मुझे इसी में बहुत ईजी लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लूवल के लिए माउस टू का यूज़ करता हूँ, माउस का राइट साइड वाला बटन। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि यार डबल स्नाइपर है उसको जब हम लोग यूज़ करेंगे तो डबल स्नाइपर का दो बुलेट एनिमी को टच करने में यार कितना टाइम लगेगा, और सिंगल स्नाइपर में कितना टाइम लगेगा, तो इसी के बारे में आप हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले। तो अभी यहाँ पर अब हम लोग डबल स्नाइपिंग अभी मेरे हाथ में, तो इसका भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से टाइमर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दो गोली को बाहर निकालने में एनिमी को मारने में कितना टाइम लगता है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखो, जस्ट दो गोली मारने में डबल स्नाइपर से 2.466 सेकंड का इसमें टाइम लगा। ओके, तो यहाँ पे डबल स्नाइपर से इसका यूज़ करने में लगा। तो अब चलिए इसका सिंगल स्नाइपर पे ट्रिक देखते कि सिंगल स्नाइपर में दो गोली एनिमी को मारने पर कितना टाइम लगता है। अभी आप लोगों को पता लग जाएगा डबल स्नाइपर और सिंगल स्नाइपर में क्या अंतर है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखो कि भाई यार 2.533, तो यार इतना ज़्यादा भी इसमें सेकंड का डिफरेंट नहीं है, बस इतना सा डिफरेंट है। बस आप लोग सिंगल स्नाइपर भी यूज़ करो, और जब दो गोली बंदूक को मारोगे तो यार उतना ही टाइम लगेगा, एकदम इतना सा का फ़र्क है जो इसमें मायने नहीं रखता है। तो अब हम लोग क्यों नहीं अपने दूसरे स्लॉट में जो वेपन टू है उसमें हम लोग एक शॉर्ट रेंज का गन को यूज़ करें, जिससे हम लोग शॉर्ट रेंज के एनिमीज को भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पीरो हो, क्योंकि यार डबल स्नाइपर से ईजिली हम लोग मिड रेंज का तो मार सकते हैं, बट शॉर्ट रेंज में हम लोग डबल स्नाइपर का यूज़ सही तरीके से नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वॉल नहीं रहा तो आप लोग कतई नहीं कर पाओगे, इसीलिए अब यहाँ पे शॉर्ट रेंज भी आप लोग रख सकते हो शॉर्ट रेंज के एनिमीज को ईजिली हैंडल करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल स्नाइपर की सेटिंग के बारे में, की मैपिंग के बारे में। तो बस यार की मैपिंग बिल्कुल भी सेम रहने वाला है, बट आप लोग इसमें एक सेटिंग करना है कि आपका जो रिलोड वाला सैम्बल रहता है ना, उसको आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके अपने स्क्रीन के ऊपर रख लेना है, जिससे आप लोगों का जब रिलोड हो तब आप लोगों को पता लगे कि भाई यार इसके बाद फायर हमको कब करना है। तो यार फिर सिंगल स्नाइपर में एक ग्लिच देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार इसमें जब हम बंदे को तीन गोली मारते तब वो बंदा मरता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को एक क्लिप यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों को इजी दिख जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग देखो इस क्लिप में वहाँ पे सामने एक बंदा है, और इसको मैंने एक गोली दिया, और ये दूसरा फटका, और ये तीसरे फटके में ये बंदा मर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यार इसमें
तीन बुलेट आपको मारना ही मारना पड़ेगा। सिंगल स्नाइपर यूज करते हो तब तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। बस आप लोग अपने एक गोली जो AWM का उससे एक फटका मारो, और जो शॉर्ट रेंज मिड रेंज का जो भी गन लिए हो उससे आप लोग इजीली बंदे को ख़त्म कर सकते हो। तो यही मेन रहा, आप AWM जब भी आप लोग यूज़ करो बस इसी का मिश्रण यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लोग एक स्नाइपर लो और एक UMP MP5 या फिर ऐसी आप लोग कोई भी शॉर्ट रेंज का गन ले लो, जिससे आप लोग एक गोली AWM का दो और साथ में शॉर्ट रेंज के गन से उसको इजीली पूरा ख़त्म कर सकते हो। तो यही रहा इसका ट्रिक। पर इसके अलावा आप यार डबल स्नाइपर भी जब यूज़ करना चाहोगे तो यार बहुत फालतू चलता है, मत यूज़ करो यार। अब उसको अपडेट के बाद यार बहुत ज़्यादा फालतू हो चुका है, और ये अपडेट बहुत ही फालतू रहा क्योंकि यार इसमें अब PCE का भी मैच मेकिंग बंद हो गया। यार इससे हम लोग क्या यार, हम लोग तो ना PC प्लेयर है, मोबाइल प्लेयर तो है बट कीबोर्ड माउस से खेलते हो, तो यार PC लेवल का गेम प्ले हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से इजीली खेल सकते हो। अगर आप लोगों ने इसका पूरा फुल सेटअप वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, या फिर वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरा फुल सेटअप वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे आप लोग कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर को इजीली खेल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसी वीडियोस हमेशा पाने के लिए। और यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि इसके बाद यार वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है जब तक मेरा फ़ोन सर्विस सेंटर से छूट के आता है तब तक। सर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, सपोर्ट करो, अपने सारे फ्री फायर प्लेयर्स दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।